दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की मच अवेटेड मूवी शैतान के 20वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में साथ साथ जानेंगे दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई या फ्लॉप। दोस्तों बात की जाए इस मूवी के फर्स्ट डे इंटरनेट कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने अपने फर्स्ट डे इंटरनेट कलेक्शन किया था 15 करोड़ 20 लाख रुपए और दोस्तों इस मूवी ने अपने पहले वीकेंड कलेक्शन किया था 55 करोड़ रुपए का, साथ ही साथ पहले हफ्ते कलेक्शन किया था 81 करोड़ 7 लाख रुपए का, दूसरे हफ्ते कलेक्शन किया था 35 करोड़ 3 लाख रुपए का, तीसरे हफ्ते कलेक्शन किया था 11 करोड़ 32 लाख रुपए का और 18वें दिन कलेक्शन किया था 3 करोड़ 20 लाख रुपए का। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने अपने 19वें दिन कलेक्शन किया था 1 करोड़ 75 लाख रुपए का। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का टोटल 19 दिन का इंटरनेट कलेक्शन हो चुका है 132 करोड़ 37 लाख रुपए और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 157 करोड़ 80 लाख रुपए और ओवरसीज कलेक्शन किया इस मूवी ने 31 करोड़ 20 लाख रुपए का। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए इस मूवी के टोटल 19 दिन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 188 करोड़ 90 लाख रुपए का कलेक्शन किया इस मूवी ने 19 दिन में। साथ ही साथ दोस्तों बात की जाए इस मूवी के 20वें दिन के कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी अपने 20वें दिन कलेक्शन करने वाले 1 करोड़ 50 लाख रुपए का। दोस्तों इस मूवी का बजट है 55 करोड़ रुपए और दोस्तों मूवी बॉक्स ऑफिस पर चुके सुपर है। दोस्तों बात की जाए इस मूवी का IMDb रेटिंग के बारे में तो इस मूवी का IMDb रेटिंग मिल चुके 7.6 out of 10। दोस्तों आपको क्या लगता है मूवी आने वाले दिनों में वर्ल्ड वाइड से 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी या नहीं? और दोस्तों आपने भी सुपरस्टार अजय देवगन की मूवी शैतान देखी तो आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना और दोस्तों शैतान को 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे कमेंट में जरूर लिख देना। दोस्तों इसी तरह से अपकमिंग मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शैतान के लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।